वन अमले ने आदिवासियों की फसल उजाड़ कर की मारपीट। मामला शिवपुर से आ रहा है। मामला विजयपुर तहसील के ओछापुर झोपड़ी के आदिवासी समुदाय का है, जहां आदिवासियों के कुसमानी स्थित जमीन पर उगी सरसों की फसल को उजाड़ने के साथ ही आदिवासी समुदाय की महिला पुरुष और बच्चों के साथ वन अमले द्वारा मारपीट करने के मामले में सैकड़ों आदिवासी महिला पुरुष लामबंद होकर शिकायत लेकर शिवपुर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहाँ भाजपा के पूर्व अध्यक्ष अशोक गर्ग के नेतृत्व में आदिवासियों ने शिवपुर कलेक्टर और SP से घटना को लेकर शिकायत की। वहीं शिकायत करने पहुंचे सैकड़ों आदिवासी महिला पुरुषों ने बताया कि वन अमले द्वारा खेत में खड़ी सरसों की फसल उजाड़े जाने के साथ ही वन अमले द्वारा महिलाओं के साथ मारपीट करने की बात भी कही। वहीं बताया जा रहा है कि सैकड़ों की संख्या में कुसमानी फसल उजाड़ने पहुंचे वन कर्मियों ने निर्दयता से लाठी डंडों से मारपीट की, जिसमें 2 दर्जन से अधिक महिला और पुरुष चोटीले हो गए, जबकि हम राजस्व की भूमि पर काबिज हैं, जिसका जुर्माना भी राजस्व विभाग में जमा किया गया है। लेकिन इसके बाद भी वन विभाग ने हम पर बेजा हमला कर ना केवल हमारे साथ मारपीट की, बल्कि खेत में खड़ी हमारी सरसों की फसल भी उजाड़ दी। जहां वन विभाग द्वारा किए गए हमले और मारपीट की शिकायत के साथ हमारी फसलें उजाड़े जाने की घटना के बाद हम न्याय की गुहार लेकर शिवपुर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के पास शिकायत लेकर आए हैं। शिवपुर से संवाददाता गोविंद कर्क की रिपोर्ट। मामला था, किस मामले को लेकर के यहां ज्ञापन देने आप लोग आए, क्या घटना घटित हुई आपके साथ? रेंज में घटना करी है। क्या घटना करी रेंजर ने आपसे? इसने घटना ये करी कि वो रेंजर है, बड़े रेंजर है, इसने पहले हमसे जमीन जोते के 4 लाख रुपये ले गए। अच्छा, 4 लाख रुपये ले गए, पूरा मतलब पुल खुल गई। तो फिर डिप्टी रेंजर ऊपर तो पर तो बेल सस्पेंड करे बाने, पर वो नहीं, हमारी कही कि तुम्हारी माँ चोत देंगे, तो हमारे पल्ले हमला कर दो, पर बबूटी भी पीट डाली और सरसों भी जोट डाली हमने। किस गाँव का मामला है ये? कसमानी के हल्का का। कसमानी हल्का? हाँ, कसमानी हल्का। किस में पड़ता है ये? ओछा पंचायत। ओछा पंचायत में कसमानी का मामला है। तो महिलाओं सहित सभी लोगों को पीटा? सब महिलाओं सहित पीटा। कितने लोगों को चोट आई है उसमें? कम से कम 20 लोगों को चोट है। 20 लोगों को चोट आई है। तो यहाँ किसको ज्ञापन देना है आप? SP साहब को ज्ञापन देना है। क्या घटना घटित हुई थी तुम्हारे साथ? घटना बहुत हुई थी, समय मानसन की गीत है गई, कैसे कैसे कहीं अम कैसे भी दौड़ है, तो मानसन ने अमन पकड़ भी दौड़ है भाई, और हम भाई तो बांध भर भर कर नीचे आ रहे पटक है हम तो। कौन लोग थे ये जिनने आप लोगों को मारपीट करी? डिपार्टमेंट ने। कौन सा डिपार्टमेंट था? पुरा के, चांदीपुरा के, रघुनाथपुरा के। फॉरेस्ट विभाग रेंज वाले थे? रेंजर बड़े ने तो दागा मोड़ा की गुदी पे फांदा था। कितने लोग थे ये जिनने आपके साथ मारपीट की? 300 आदमी है पूरे। पूरे 300 आदमी थे जिन लोगों ने आपके साथ में मारपीट करी? मामला जो कलेक्ट्रेट में आया है, आपके मार्गदर्शन में ज्ञापन देने की तैयारियां चल रही है, क्या मामला है? ये लोग ओछापुरा पूरा झोंपड़ी के निवासी हैं, आदिवासी हैं, इनकी कुसवानी में जमीन है और उस पर सरसों की फसल खड़ी थी। इनके कागज वागज देखे तो वो भूमि राजस्व की है और इन लोगों पे जुर्माना भी किया हुआ है, लेकिन कल अचानक फॉरेस्ट के लोगों ने वहाँ जाकर के ट्रैक्टर और JCB से उस फसल को ध्वस्त कर दिया, महिलाओं की और बच्चों की पुरुषों की मारपीट भी की है, जिसके वीडियो भी वायरल हो गए हैं। तो ये एक ठीक बात नहीं है, उसके लिए कलेक्टर साहब, SP साहब से और कलेक्टर साहब से इनका मिलवाना है इनको।